वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से रिव्यू, मैं हूँ रहमत और आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों को अपने किचन का टूर। ये मीडियम क्लास फैमिली का किचन है और इसको मैंने किस तरह से रखा है, क्या क्या इसमें किया है, मैं सब आपको दिखाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इसे बहुत सजाया है या बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसका वीडियो शूट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुरंत मैंने अभी किचन में खाना बनाया है और मेरा काम खत्म होते ही स्लैब व्लैब को साफ करने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि आप भी अपने किचन को इस तरह से रख सकते हो। कई लोग ऐसे होंगे कि मेरे से बहुत अच्छे तरीके से किचन रखते होंगे या फिर मैंने उतना अच्छे से नहीं रखा हो, तो जो भी बात है बस मैं शेयर कर रही हूँ। इसको किसी और माइंड से ना देखें, बस सिंपल ये वीडियो शेयरिंग के पर्पस है क्योंकि लोग एक दूसरे का देखकर ही सीखते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और सबसे पहले बता दूं कि इधर ये डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया के बाद ये आ जाता है किचन का एरिया। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लें कि ये किस तरह का है। ये किचन मोस्टली रेक्टेंगल शेप में है और दो स्लैब अगल बगल में पैरेलल दो स्लैब रन कर रहा है, उस टाइप का ये किचन बना हुआ है। अगर आप अपने नए किचन नया घर बनवा रहे हो ना तो इस तरह का किचन जरूर बनवाओ, बहुत आरामदेह किचन होता है और छोटे से जगह में बहुत अच्छा किचन बन जाता है। तो यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है और यहाँ पर एक कैबिनेट मैंने रखा है जिसमें मैंने अपना कुछ किचन का बर्तन वगैरह जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ डेली पर्पज से, वो मैंने यहाँ रख डाला है। यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन है और यहाँ पर ही फ्रिज है। किचन के जस्ट बगल में अगर फ्रिज होता है ना तो आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि झटपट निकालो और फिर जो भी आपको काम करना है वो कर लो, तो ये बहुत अच्छा आरामदेह हो जाता है इससे। और दो पैरेलल स्लैब यहाँ पे रन कर रहा है तो इधर आप काम कर रहे हो तो झट से आप सामान इधर रख कर भी कर सकते हो। एल शेप वाला किचन भी अच्छा होता है, लेकिन मैंने एल शेप वाला भी यूज़ किया है, लेकिन फिलहाल जो मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ पैरेलल स्लैब वाला किचन, मुझे बहुत आराम इसमें मिलता है, बहुत ज़्यादा आराम। और यहाँ पे कैबिनेट बना हुआ है और इसमें आप अपने सारे सामान को अच्छे से रख सकते हैं जो भी आपका डेली यूज़ का सामान है। और ये एरिया अभी ओपन है, यहाँ पर चिमनी वगैरह या और भी कुछ आप अपने हिसाब से बनवा सकते जो कि अभी बना हुआ नहीं है। फुल फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन नहीं है, नॉर्मल किचन है, बिल्कुल नॉर्मल सा। और कुछ मुझे पसंद आया है इस किचन का तो बस मैंने यही सोचकर वीडियो बनाया है। तो चलिए इंटर कर लें। ये देख लें, ये फ्रिज का एरिया है और यहाँ पर का जो एरिया है मैंने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। फिलहाल ये बाल्टी मैं यहाँ पर रखती नहीं हूँ पर ये रखा हुआ है, पर रखा हुआ तो मैंने दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी छुपाना है। तो यहाँ पर आलू प्याज की टोकरी है, लहसुन वगैरह मैं रख लेती हूँ। यहाँ पर सिलेंडर वगैरह है और यहाँ पर कुछ जो प्लास्टिक के रैपर या थैले वगैरह हैं वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेरा इंडक्शन, जो भी कुछ लाइट कुकिंग करनी होती है मैं इंडक्शन पे कर लेती हूँ और जो मोटा मोटा कुकिंग होता है ज़्यादातर मैं गैस पे ही, क्योंकि इसमें मुझे आइडिया ज़्यादा है, आइडिया ज़्यादा नहीं, आइडिया इस पर भी है, मुझे ये आरामदेह लगता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। और अभी मैंने ये सारी कुकिंग करके रख दी है, लंच बना हुआ है और सबकी सफाई मैंने कर दी है बस, और मैं वीडियो बनाने में लग गई हूँ। तो यहाँ पर ये तेल का बॉटल है, ऑयल पॉट, इसका रिव्यू मेरे चैनल पे है कि ये बॉटल कैसा, रियली बहुत अच्छा, इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देखिए। और यहाँ पे वो ऑयल रखती हूँ जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, जो बचता है वो ऑयल मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ पे जो तुरंत से आपको लाइटर वगैरह चाहिए, नाइफ वगैरह चाहिए, वो सब चीज़ यहाँ पर है। ये बॉटल पानी का जो कि मैं कुकिंग करने टाइम यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्लैब है ग्लास का, ये अलग से मैंने अमेजन से मंगवा कर लगवा सकते हैं, मैंने नहीं लगवाया, पहले से ही लगा हुआ था। और इसमें यहाँ पे चाय पत्ती, चीनी, नमक, घी वगैरह यहाँ पर, और यहाँ पर जो लाइटर मेरा अच्छा वाला है मैं इसको यहाँ पर लगा दी हूँ। प्लस ये जो एरिया है यहाँ पर मैंने अपना मिक्सर ग्राइंडर और ये ओखली छोटी सी जो है वो रख दिया है, और ये वेजिटेबल फ्रूट कटर जो आता है ये वो मैंने रख दिया है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। और ये हॉट पॉट है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जो है ये सिंक एरिया है, सिंक एरिया के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है ये मेरा प्यूरिट, और यहाँ पे मैंने ये बर्तन ढोकर डालने के लिए इसे यूज़ कर लिया है। ये बेसिकली
आप स्लैब पे रख कर यूज करने वाला ये था, लेकिन मैंने इसमें एक DIY कर दिया और इस तरह से धागे से बांधकर यहाँ पर कील पहले से लगी हुई थी और उसमें मैंने इसे फिट कर दिया है। क्योंकि किचन में अगर आप बर्तन तुरंत वॉश करो और इस तरह का कुछ होता है, इस पर डाल दो पानी, नीचे चला जाता है और बर्तन बहुत अच्छे से सूख जाता है और वो हाइजीनिक भी है, तो ऐसा मैंने इसके साथ किया है। और ये सारा विम बार लिक्विड सैनिटाइजर जो भी है मैंने यहाँ पे रख दिया है। और अब जो है ये पैरेलल स्लैब इधर जो है, तो इसमें बेसिकली सारा काम तो इस पर ही होता है और जो चीज़ रखने वखने का होता है यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पे ग्लास कप्स वगैरह डेली यूज के। और अभी मैंने सब्जी बनाई थी तो उसका ये जो छिलका है वो है, इसको आप छोड़ दें, ना ही देखें तो अच्छा है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये जो है यहाँ पे मैंने कप्स वगैरह जो कि मुझे डेली यूज में आते हैं वो सब मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पर विम बार और सर्फ वगैरह, कॉलिन वगैरह, हार्पिक वगैरह, ये सब अंदर में हैंड वॉश जैसी चीजें, तो ये सब यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, तो यहाँ पे मेरे हॉट पॉट और जो भी बर्तन वगैरह मैंने इस तरह से सरिया के, ट्रे वगैरह, प्लेट्स, ये सब मैंने रखा हुआ है। ये जो है ये सारे बर्तन रखने के हैं, सेम टू सेम नीचे भी है और इधर भी वैसा ही कुछ है बर्तन रखने के लिए इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे मेरा चावल और अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें, डब्बे वब्बे हैं जो कि सामान के लिए ही है। अब इस साइड आ जाते हैं, यहाँ देख लें, यहाँ पर भी ये मेरा गैस तंदूर है और यहाँ पर अभी खाली जगह है। यहाँ पर वैसी चीज़ें रखी हैं जो कि मार्केट से अभी तुरंत आई है और उसको मैंने डब्बे में नहीं डाला है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ रखी हुई है। और अब जो आप देख लें, ये मैंने खासकर खाली रखा है ताकि कुछ भी सामान एक्स्ट्रा आ जाए तो मैं इसमें डाल दूं। यहाँ पे आटा और तेल वगैरह है और इसको खोलकर मैं नहीं दिखाने वाली, अंदर में डस्टबिन है। अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ देख लें, यहाँ पे सारा मेरा मसाला और ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस, राजमा वगैरह का डिब्बा यहाँ मैंने सबको खाली करके इस तरह से रख दिया है। हल्दी वल्दी, मिर्चा, धनिया, ये सब यहाँ पर रखा हुआ इस तरह से। अब ये वाला खोल के देख लेते हैं, तो इसमें भी बेसिकली सारे मसाले हैं जो कि मैं पैकेट का, शान वगैरह का यूज करती हूँ। ये सब है जीरा, मेथी, सारा का जो भी मैं पाउडर मसाला बनाकर रखती हूँ ये सब यहाँ डला हुआ है, ये सारा गरम मसाला। और वो ऊपर जो आप देख रहे हैं ना कि जो पैकेट मार्केट से आता है और आधा यूज हुआ या थोड़ा यूज हुआ और उसको आपको रखना, तो ये जो रैक है बेसिकली मैंने इसी के लिए रखा है कि जो चीज़ मैंने पैकेट फाड़ा और उसको डब्बे में ट्रांसफ़र ना नहीं करना है, यूं ही रखना है, तो इस तरह से मैं रबर लगा कर रख देती हूँ। इस तरह से देखिएगा, सारे में जो है ना इस तरह से रबर लगा हुआ और उसको कुछ भी नहीं होता है, अच्छे से लपेट कर रबर लगा दीजिए, कुछ भी हवा ववा नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस तरह के ये पैक्ड मसाले जो मार्केट वाले हैं वो मैंने रखा है। अब ये नेक्स्ट देख लें, इसमें भी है चना, दाल, बेसन, मैदा और ये सारे मसाले, सत्तू, मखाना, इस तरह की चीज़ें, चवन प्राश, ये मैंने रखा है यहाँ पर। और ये वाला देख लेते हैं, इसमें मैंने क्या रखा, तो इसमें लंच बॉक्स वगैरह वो सारे डिब्बे जो कि यूज़ नहीं होते हैं यहाँ पर, वो सब चीज़ है यहाँ पर। और अचार वचार ये सब चीज़ यहाँ है, पाउडर मिल्क, अगर मिल्क नहीं है घर पे, आपको चाय पीने का मन कर रहा है या कुछ मीठा बनाना है तो ये पाउडर मिल्क बहुत काम में आता है, मैंने रवा इडली के डब्बे में डाल रखा है। और यहाँ पे मैंने सूजी भून के रखा है, चावल का आटा पीस कर रखा है फिरनी बनाने के लिए, सूजी का हलवा बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये सबसे मेसी वाला होगा, यहाँ पे मैगी वगैरह और ये सारे डब्बे जो यूज़ में नहीं आते हैं वो मैंने रखा हुआ है। ऊपर देख ले, एक कुकर का, नया कुकर का डब्बा ये रखा हुआ है और एक डिक्ची रखी हुई है जिसमें बिरयानी बनती है। और ऊपर एक छोटा सा फैन लगा हुआ है जो कि बड़े मज़े का हवा देता है और गर्मी को एकदम दूर कर देता है। यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है और एक ये डोर है जो कि खुलती है और सीधे जाती है बालकनी में, तो आइए चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर पूरी बालकनी में धूप भरा हुआ, मज़े का धूप है, आप आराम से यहाँ पर धोकर कपड़े डाल दो, कपड़े सुखा दो
और बर्तन जो अभी मैंने अभी तुरंत धोए हैं वो सारे बर्तन मैंने यहाँ पर धूप में सूखने के लिए डाल दिया, तब मैं वहाँ किचन में अंदर इस रैक में डालने वाली हूँ ताकि अंदर सूखा बर्तन जाए, गीला रहने से अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर से आप पूरा ये व्यू ले सकते हैं और बैल्कनी में आप बहुत कुछ आराम से, अगर ठंड है तो आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हो, धूप सेक सकते हो आराम से, यहाँ पर इतनी जगह है। तो पूरा खुला हुआ ये एरिया है और खाना बनाते बनाते आप बाहर देख लो। तो ये था फुल किचन का टूर। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।